तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज का ये जो वीडियो है, काफ़ी लोगों ने मुझे एटलीस्ट लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी की वजह से आप में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला, जब आपको ये प्रॉब्लम होगी तो उसमें सिम्टम्स एक होते हैं ओवरवेटिंग और वेट लॉस। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है विटामिन डी डिफिशियंसी में। ठीक है, जो फर्स्ट है। और सेकेंड जो है वो है आपका मूड स्विंग होगा। कभी आप खुश रहोगे, कभी आप थोड़ा इरिटेट रहोगे, थोड़ा एंगर फील करोगे। ऐसा मतलब मूड स्विंग होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि मॉर्निंग में वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं एंड देन जैसे ही इवनिंग होती है तो वो धीरे धीरे थोड़ा अच्छा फील करने लगते हैं। तो इसे हम मूड स्विंग कहते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ करता था और काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है वो हाई ब्लड प्रेशर का होता है। दोस्तों, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और ये बहुत ही कॉमन है। जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, वो है ड्राई स्किन। ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है विटामिन डी की डिफिशियंसी में। जो स्किन होती है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों, आपको पसीने आते हैं, लाइक स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपको जब आप में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो होता है दोस्तों, जॉइंट पेन होती है काफी लोगों को, लाइक नीज में होती है, बैक बैकबोन में होती है। सो ये जॉइंट्स पेन होते हैं, ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर आप में है तो। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। छोटी मोटी लाइक जैसे कि फ्लू, खांसी, सरदर्द, फीवर, ऐसे मतलब छोटे छोटे वायरसेस आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है। बट ये तब होता है जब आपकी इम्यून सिस्टम कम हो, और ये कम तब होती है जब आपके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो। ठीक है दोस्तों, और जो सिक्स पॉइंट है वो ये है, आपको डाइजेशन इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, गैस बनना, ब्लोटिंग्स होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है विटामिन डी के। और जो सेवन पॉइंट है वो ये है दोस्तों, आप फटीग फील कर सकते हो, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो सकता है आप लोगों को। क्योंकि मुझे जब विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई थी, मैं अपने बेड से नहीं उठ पाता था, मतलब बहुत लेजी हो चुका था। लाइक मुझे अगर कोई बोलता भी था कि वो ग्लास उठाकर बस सामने रख दो, तो भी मुझ में वो हिम्मत नहीं रहती थी। पूरी तरीके से मैं लाइक लेजी हो चुका था। ठीक है, मेरी फैमिली में भी मुझे सब लोग लेजी बुलाने लग गए थे उस वक्त। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट वो है दोस्तों, वो है, देखो ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं बट जो मेजर पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मसल्स पेन भी होते हैं, काफी लोगों को ऐसे यहाँ पर मसल्स पेन होते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपको मसल्स पेन भी होंगे। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों में, ठीक है, जब लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था तब काफी लोगों को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बट लेकिन देखो, विटामिन डी के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, थीके? तो हर चीज विटामिन डी से आप कनेक्ट मत कीजिए। बट हो सकता है, क्योंकि काफी लोग क्या गलती करते हैं कि सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसी के पीछे भागने लगते हैं। ठीक है, कि हाँ ये सिम्टम्स मेरे मैच कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था दोस्तों, अब मेरे सिम्टम्स हेल्थ एंजाइटी के ऊपर भी कनेक्टेड थे। ठीक है, मेरे अंदर वो सारे सिम्टम्स थे जो मैं हेल्थ एंजाइटी की जो सिम्टम्स होती है, ठीक है, वो सारे सिम्टम्स मेरे में थे। तो मैं क्या कर रहा था, मैं हेल्थ एंजाइटी को टारगेट कर रहा था कि मुझे हेल्थ एंजाइटी के बारे में पता करना है, ये कैसे ठीक होता है, क्या करना है, सब कुछ। और मैंने बहुत सारे लोगों से गाइडेंस भी ली, ठीक है, पेड कंसल्टेंट। तो फिर जाकर मुझे कहीं पता चला कि इसे ऐसे ठीक करते हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सेम सिम्टम्स मैंने एक सोमेटाइजेशन का देखा था। सोमेटाइजेशन में भी जो मेरे सिम्टम्स थे वो सेम थे। तो आपको ये बताने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने सिम्टम्स को डायरेक्टली रिलेट मत कीजिए। इसमें कितनी सच्चाई है पहले ये जान लीजिए कि वाकई में आप जो मैंने सिम्टम्स बताए वो मैच हो रहे हैं, ये चीज आपको पहले चेक कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी इंतजार आप लोगों को नेक्स्ट वीक में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी, जो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। लाइक मैं एक कमेंट किया था एक मैडम ने, उन्होंने बताया था कि प्लीज आप अपने एंजाइटी की जर्नी को पूरी डिटेल्स में हम लोगों को एक्सप्लेन करो। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, वो मेरे पूरे एंजाइटी में क्या क्या बातें थी, क्या क्या हुआ था मेरे साथ, वो सारी चीजें वीडियो जो होगी वो पूरी डिटेल्स एंजाइटी में होगी, ठीक है। और आप कैसे अपनी एंजाइटी को ठीक कर सकते हो, वो ट्रीटमेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।